तो विजुअल बेसिक डॉट नेट में हम अगला कंट्रोल देखते हैं, उसके लिए भी हम बना हुआ जो प्रोग्राम है ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं यूनिट थर्ड में ही अभी हम चल रहे थे, और पहला है पिक्चर बॉक्स कंट्रोल का यूज़। ठीक, तो पिक्चर बॉक्स कंट्रोल का यूज़ देखने के लिए ये अपना प्रोग्राम है, इसको ओपन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद इस प्रोग्राम को ओपन कर लिया। ये देखो, ये पिक्चर बॉक्स कंट्रोल ओपन हो गया है। तो करता क्या है, जैसा कि इसका नाम है पिक्चर बॉक्स, मतलब कि अगर आपको अपने विंडो एप्लीकेशन में कहीं पिक्चर दिखानी है ना, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, पिक्चर बॉक्स कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। पिक्चर बॉक्स कंट्रोल आपको टूल बॉक्स में मिल जाएगा, और देखिए यहाँ पर बना हुआ प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं। तो पिक्चर बॉक्स कंट्रोल कहाँ दिखाई देगा, सबसे पहले वो भी बता देते हैं। तो व्यू मेन्यू में जाइए, टूल बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है, तो टूल बॉक्स ओपन कर लो, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा पिक्चर बॉक्स कंट्रोल, और ये रहा पिक्चर बॉक्स कंट्रोल, ये देखिए। ठीक है, ये रहा पिक्चर बॉक्स कंट्रोल। यहाँ पर देखना सारे कंट्रोल किससे जमे हुए हैं, अल्फ़ाबेट से जमे हुए हैं। तो जो भी है, जैसे पिक्चर बॉक्स है तो पी में आ जाओ, तो पिक्चर बॉक्स को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक, चलिए रन करके देखते हैं कि होता क्या है। इस प्रोग्राम को हमने रन किया, और रन करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें आउटपुट किस तरीके से आता है। ये देखिए, पिक्चर बॉक्स का इस्तेमाल पिक्चर को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कभी आपको कोई ऐसा फॉर्म बनाना है जिसमें किसी की इमेज दिखाना है, पासपोर्ट साइज इमेज दिखाना है, या कोई प्रोडक्ट की इमेज दिखाना है, तो एप्लीकेशन में आप क्या इस्तेमाल करोगे, पिक्चर बॉक्स कंट्रोल का इस्तेमाल करोगे। तो पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप रखने के बाद एक तरीका तो ये है पिक्चर को दिखाने का, कि आप यहाँ से जाके चूज इमेज कर लो। इसको बोलेंगे हम डिजाइन टाइम में करना, मतलब कि पहले से ही सिलेक्ट कर लेना। जैसे हम लिस्ट बॉक्स में करते थे ना, आइटम को सिलेक्ट कर लेते थे बस, और आइटम उसमें दिखाई देते थे, और एक करते थे हम कोडिंग के द्वारा उसमें डेटा करते थे। यहाँ से अगर आप इमेज को सिलेक्ट करोगे तो इमेज सिंपली दिखाई दे जाएगी, रन करोगे तो इमेज दिखेगी। लेकिन अगर आपको यही चीज कोडिंग से करनी है, तो देखिए कोडिंग क्या करनी पड़ेगी। तो कोडिंग हम ये कि फॉर्म लोड इवेंट पे, मतलब जैसे ही फॉर्म लोड हो, फॉर्म का लोड होने का अर्थ क्या है, जैसे ही फॉर्म रन हो, तो जैसे ही फॉर्म रन होगा, जैसे ही फॉर्म लोड होगा, तो देखिए पिक्चर बॉक्स में क्या हमने दिया, पिक्चर बॉक्स का नाम दिया, डॉट इमेज लगाया, डॉट इमेज लगाया, इक्वल टू लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, मतलब कि आपको वो पाथ देना पड़ेगा जिस इमेज को आप यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पर इमेज का पूरा पाथ दे दिया। अब इमेज का पाथ कैसे देना है वो भी हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करना है, यहाँ से पिक्चर में जाना है, ये जो भी पिक्चर आपको इस्तेमाल करनी है वो पिक्चर ले लो, और पिक्चर को लेने के बाद यहाँ पर जैसे हम सिंपल पिक्चर ले रहे हैं, जो भी इमेज, जैसे इस इमेज को डिस्प्ले कराना है, तो इस पर राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टी में जाओ। प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसको हम कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करके इस तरीके से कॉपी कर लिया हमने, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। और पेस्ट करने के बाद एक चीज़ ध्यान रखना कि केवल इतना ही पेस्ट होगा है, उसके बाद जो इसका नाम है वो नाम हम लिख देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है, डॉट जेपीजी एक्सटेंशन नहीं भूलना है, नहीं तो आउटपुट में नहीं आएगा। इस तरीके से हम इमेज का पाथ दे देते हैं। तो ये कोडिंग भी आपको याद रखनी होगी कि किस प्रकार से पाथ देते हैं, पिक्चर बॉक्स का नाम डॉट इमेज, इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, और उसके बाद पूरा हम पाथ दे देते हैं। इसी प्रकार से पिक्चर का मोड क्या होगा, पिक्चर का मोड मतलब पिक्चर को आपको छोटी दिखाना है, या पिक्चर की जो साइज है उस साइज में पिक्चर को दिखाना है, या तो आपको पिक्चर को स्ट्रेच करके, मतलब जितनी भी साइज हो पिक्चर को वो खींच करके पूरे पिक्चर बॉक्स में क्या कर दे, शो करे। तो कैसा आपको दिखाना है उसके लिए आप क्या करोगे, स्ट्रेच मोड या अलग अलग मोड है। देखिए यहाँ से कर्सर लेके जाएंगे तो ये देखिए ऑटो साइज भी है, सेंटर इमेज में सेंटर दिखाई देगी, नॉर्मल में नॉर्मल दिखाई देगी, जूम में आपको बड़ी हो करके दिखाई देगी। तो कौन सा लेना है आप सारे को ला करके प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि किस में कौन सी इमेज आती है ना। और उसके बाद यदि आपको उसके अलावा भी कोई इवेंट जनरेट हो जाती है, तो उसको आप हटा सकते हो। जैसे ये इवेंट काम की नहीं है तो इसको सिलेक्ट करके हम हटा भी सकते हो, लगे भी रहने दे सकते, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो फॉर्म की लोड इवेंट पर ये इस पाथ को डिटेक्ट करेगा और वहाँ पर इमेज डिस्प्ले कर देगा। इमेज का हमने देखो क्या लेके रखा, स्ट्रेच इमेज। चलिए एक बार हम इसको बदल के भी देखते हैं। तो बदलने के लिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, और इस बार हम कर देते हैं इसको सेंट्रल इमेज कर देते हैं, और फिर इसको रन करते हैं। रन करेंगे तो देखो सेंट्रल इमेज, मतलब
इमेज पूरी दिखाई नहीं दे रही, इमेज का सेंटर का भाग बस दिखाई दे रहा है, और स्ट्रेच में क्या करता है उसको खींच के और छोटा करके पूरी इमेज दिखाता है। तो आपको ज़्यादातर कौन सा काम आएगा, स्ट्रेच इमेज ही काम आएगा। तो ये हमने देखा किसका इस्तेमाल, पिक्चर बॉक्स कंट्रोल का इस्तेमाल, जिसके द्वारा कि हम पिक्चर को शो करने के लिए करते हैं।